अबे ओए, बिग बॉस खत्म हो गया फिर भी अभिषेक का पीछा नहीं छोड़ रहा तू। उसके नाम से व्यूज लेना बंद कर दे। ऐसे बोलने वालों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा तीखी लग सकती है, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स ने उनका ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। अगर आपको मिर्ची लगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। वैसे ये व्लॉग नहीं है, मेरा रिएक्शन है ट्रिगर्ड भैया को, क्योंकि गाइस उन्होंने बोला है कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया था फुकरा भैया को जब वो बिग बॉस में थे। बट गाइस मैंने तो स्टोरी डाली थी फुकरा भैया के लिए। हाँ, मैंने एलविश भैया को भी सपोर्ट किया था, क्योंकि दोनों यूट्यूबर्स हैं और दोनों में से कोई भी जीतता तो मेरे को चलता गाइस। बट उन्होंने गलत बोला है कि हमने उनका सपोर्ट नहीं किया है। और गाइस वो बोलते हैं कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था हमसे, क्योंकि वो कोलैबोरेशन करते हैं हमारे साथ। लेकिन गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन में उनका भी फायदा होता है, उनको व्यूज मिलते हैं ना गाइस, इसलिए वो हमारे साथ कोलैब करते हैं गाइस। उनके पास जब कंटेंट की कमी होती है ना गाइस, तभी वो हमारे साथ कोलैब करते हैं। तो उनका ये बोलना कि हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये गलत है ना गाइस। हाय गाइस, दिस इज महेश केशवाला एके थगेश, और आज थोड़ा सा दुख हो रहा है यार। नहीं, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं और कभी-कभी मेरे जोक्स पे मैं अकेला ही हंस देता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने किसी को सपोर्ट नहीं दिखाया है। मैं तो यार बिग बॉस के घर के अंदर तक गया अभिषेक को ये बताने कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और यूट्यूब कम्युनिटी तेरे साथ है। और कौन सा बड़ा यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल को छोड़ के एलविश के सपोर्ट में खड़ा था, लेकिन इन लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये वन मैन आर्मी है, अकेले सब संभाल रहे हैं। तो हम तो गधे हैं, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता था कि लोग मुझसे जलते हैं, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों के लिए। छोड़ो यार, देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि दोनों मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और दोनों में से कोई भी जीते, ट्रॉफी तो यार अपने यूट्यूब कम्युनिटी में ही आ रही थी, और मेरे लिए दोनों सेम थे। तो मैं किसी को ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट ये ट्रिगर्ड को लग रहा था कि यार इसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑटोमेटिकली इसको सपोर्ट करने चाहिए, पर ऐसे नहीं होता है। जितने भी लोग एलविश को सपोर्ट कर रहे थे वो उसको दोस्त समझ के सपोर्ट कर रहे थे। अब वो उसमें उसकी गलती नहीं है, भली ट्रिगर्ड को इसका गलत लगे, बट मैं उसको इतना ही बोलूँगा कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। सो गाइस, ट्रिगर्ड इंसान ने बिग बॉस के टाइम पे बोला था कि उनको यूट्यूबर्स ने खुल के सपोर्ट नहीं करा है, तो यूट्यूबर्स अब रिएक्ट करते हुए गुस्से में ये बोले। क्या हो गया, मुझे अपना रिएक्शन देना है? नहीं, मेरे को लगा वो न्यूज़ देनी है। सो गाइस, न्यूज़ बॉय रिएक्ट करते हुए ये बोले कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने फुकरा इंसान पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्योंकि उनको अच्छी एंगेजमेंट मिल रही थी। और ट्विटर पे गाइस उन्होंने बहुत सारी गालियां भी खाई थी एलविश आर्मी से, क्योंकि वो एलविश के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं ट्वीट कर रहे थे। फिर भी ट्रिगर्ड इंसान का ये बोलना कि उनको सपोर्ट नहीं मिला यूट्यूबर से, ये गलत बात है गाइस। कैसे हैं आप लोग यार? मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने बिग बॉस के टाइम पे रिएक्शन अपना क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं बनाया वीडियो। वैसे तो हर बिग बॉस के टाइम पे मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियो ड्रॉप करता हूँ जहाँ पे आप लोग उसको बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन इस बार मैं अपने गाने में इतना बिजी था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। आपने उस गाने को ज़्यादा प्यार भी नहीं दिया, और अभी मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने बिग बॉस पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर उस पे वीडियो बना देता तो बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता, लेकिन यार अब कुछ फ़ायदा नहीं उसका। वैसे आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं ऐसे समझ लो फुकरा भाई का एक दोस्त हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, तो मेरा बनता था फुकरा भाई को सपोर्ट करना। लेकिन मेरा मेन एम होता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, तो मैंने ट्विटर पे देखा कि मैं एलविश आर्मी के अगेंस्ट अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो लोग मेरे को एंगेजमेंट दे रहे थे, और इलॉन मस्क भैया ने हमारे पैसे दे रहे थे, ट्विटर पे शुरू कर दिया है। तो मैंने जानबूझ के एलविश आर्मी के खिलाफ बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, उन लोगों ने मेरे को गालियाँ दी, उस गालियों की वजह से मुझे एंगेजमेंट मिली, और उस एंगेजमेंट की वजह से मुझे ट्विटर ने, इलॉन भैया ने पैसे दिए। तो एंड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा ही हुआ, चाहे मुझे गालियाँ पड़ी, लेकिन उन गालियों की वजह से मेरे घर में पैसे भी आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक भाई, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने भाई फुकरा को सपोर्ट कर रहा था और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, मेरे को सिर्फ इतना पता था कि यार एलविश के फैंस को अगर मैं थोड़ा बुरा भला बोल दूंगा तो वो लोग थोड़ा मेरी एंगेजमेंट बढ़ा देंगे, और उस वजह से जो ये फुकरा ने मेरे को कार लेके दी है उसका पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगा ये अपने एलविश के आर्मी को, कि उन लोगों ने थोड़ा एंगेजमेंट दिया जिस वजह से मेरे को भी ट्विटर से थोड़े पैसे आए, जिस वजह से मेरे को अपने कार का थोड़ा सा पेट्रोल का इंतज़ाम हो गया। अब बिग बॉस ख़त्म होने के बाद मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा था, तो मैंने एलविश को
गलत बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा हेट बढ़ाने की कोशिश की कि आप लोग फिर भी थोड़ा सा मुझे रेलिवेंट रखने की कोशिश करो, वही मेरा जारी है, इसलिए मैं गाली देता रहूँगा, आप प्लीज़ मेरे को एंगेजमेंट देते रहना। हम सब तो बेवकूफ़ ही है ना, जो इतने टाइम से फुकरा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमको तो कोई क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं था। हमने इतनी सारी गालियाँ दी एल्विश को और हमेशा बोला कि एल्विश आर्मी टॉक्सिक है, गंदी गालियाँ देती है, जबकि सबसे ज़्यादा गालियाँ हम ही देते थे। अब हमको ही पता कि एल्विश तो घर के अंदर भाईचारा निभा रहा था, लेकिन हमें ही पता कि हमने कितनी झूठ बोले हैं अपने फुकरा को डिफेंड करने के लिए, अभिषेक को डिफेंड करने के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश की, एल्विश को गलत दिखाने की कोशिश की। हम सबको पता था कि एल्विश गलत नहीं था, फिर भी हम उसको सपोर्ट करने के लिए, अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए एल्विश को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और एंड में हमको क्या मिला? वन मैन आर्मी। यार हमारा तो कुछ फायदा हुआ नहीं। वो भाई ने हमको बोला कि यार 20 मिलियन है मेरे पास, तुम लोग टेंशन मत लो। अब हमको भी डिसअपॉइंट कर दिया और उन 20 मिलियन को भी डिसअपॉइंट कर दिया। क्या है यार ये। मेरे सारे दोस्तों ने मेरे को ये वीडियो अभी भेजी थी तो मैंने आप लोगों को दिखा, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा बुरा मानना मत, क्योंकि घर में मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया है और घर के बाहर आने के बाद मैं हार के आया हूँ, तो मेरे को अभी भी उसकी जलन है और मेरे पास उसका कोई रीज़न नहीं था पर्टिकुलर कि मैं रीज़न क्या दूँ हारने का। तो मेरे पास एक ही रीज़न बचता था कि एल्विश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मेरे को अपने भाई का सपोर्ट था। रियलिटी ये है कि बहुत लोग मेरे को भी सपोर्ट कर रहे थे, बट एल्विश जीत गया है तो मेरे को मैटर नहीं करता किन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ नहीं है। घर के अंदर भी आपने देखा होगा, वो एल्विश इतना भाईचारा निभा रहा था लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया। घर के बाहर भी मैं सेम हूँ, लोग मेरे को चाहते हैं, लोग मेरे को प्यार में सपोर्ट कर रहे थे, बट मैं हार गया हूँ तो उन लोगों की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने भाई को ही थोड़ा बहुत क्रेडिट देता रहूँगा, उसको ही ज़्यादा हाइप बनाता रहूँगा, क्योंकि एट द एंड फायदा भी उससे हमारा हो रहा है, व्यूज भी हमको ही मिलने चाहिए, किसी और को हम व्यूज क्यों ही दें।